पहला सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करते हैं क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल से हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कोई बड़ी बात नहीं है। गिवन आगे है, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको वी डब्ल्यू लिख दूं, कितना है 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3। इसमें इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको म्यू जी लिख दूं, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो म्यू डब्ल्यू भी। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी। तो आप ये मान सकते हो कि लाइट एंटर कर रही है वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, दो मीडियम यूज करें हम लोग भी, यस और नो? चॉइस आपका, अभी कैसे लिखोगे? अगर आपको लिखना हो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट एंटर कर रही है वाटर से ग्लास के अंदर, तो कैसे लिखाऊं इसको मैं? स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्लास के अंदर बाई वेलोसिटी इन वाटर भी, ऐसे लिखते हैं? गाज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जिसकी निकालनी है उसको नीचे लिखते हैं, कुछ भी, हाँ भर लेते हैं कुछ भी। और यहाँ पे ग्लास का ऊपर लिखते हैं, वाटर का नीचे लिखते हैं भी, सही है कि नहीं है? आपको गिवन क्या है, तीन चीज़ें क्या निकालनी है, सिंपल है भाई, क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी, तो वी जी इज इक्वल टू वी जी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, पुटिंग द वैल्यूज भी, कितना है वी 2.25 10 की पावर 8 इंटू 1.3 बाई 1.5 भी। सोल्व कीजिए, इसका आंसर है इट इज 1.95 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कर पाओगे? ये चीज़ याद रखिएगा, कैसे लिखना फार्मूला, समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, बिलो द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास 6 सेंटीमीटर थिक इफ इट हैव ए लेयर ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर थिक इज ऑन द टॉप ऑफ ग्लास गिवन म्यू दे रखा अभी एयर टू ग्लास इज इक्वल टू 3/2 और म्यू एयर टू वाटर इज 4/3, सही है? क्या दे रखा है, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास ऑफ 6 सेंटीमीटर थिक। एक ग्लास ब्लॉक अभी कितनी मोटाई है इसकी, 6 सेंटीमीटर, सही है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया अभी इसके नीचे, और इसके ऊपर एक वाटर की लेयर भी है अभी, कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और आप बाहर से देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी, यह बताना आपको, सही है कि नहीं है? तो कैसे करोगे, देखिए अभी क्लास, एक्चुअल में दो मीडियम दे रखे हैं अभी आपको, तीन दे रखे हैं, एयर भी है अभी, एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में जाएगी तब भी ऊपर दिखाई देगा वो थोड़ा सा, और वापस इसमें जाएगी तब भी ऊपर दिखाई देगा आपको, यस और नो? अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशंस क्या होगी, अगर सिर्फ आपके पास वाटर होता अभी तो उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या थी, रियल डेप्थ क्या है उसकी,
फोर सेंटीमीटर। वाटर वाला तो कितना था, 4 सेंटीमीटर। ग्लास होता है अगला 6। तो इनकी इंडिविजुअल निकाल लें एक बार, क्या क्या अगला ग्लास में होता क्या होता है, इसमें क्या होता था क्या होता है, चेक कर लें कि इसमें कितना ऊपर उठेगा, इसमें कितना ऊपर उठेगा, नेट हो जाएगा मेरा कंप्लीट भाई। यस सर नो, इकट्ठा क्यों करें टॉपिक को, अलग अलग कर लेते हैं। इसमें अगर ऑब्जेक्ट हो तो कितना ऊपर दिखाई देगा, निकाल लेते हैं। इसमें हो तो कितना ऊपर दिखाई देगा, वो भी निकाल लेते हैं। यस सर नो, एक बार मान लीजिए क्योंकि आपको कुछ दे रखा है वैल्यू, मैं मान लेता हूँ एक्स वन जो है या वाई वन कुछ भी ले लीजिए, एक्स वन है 4 सेंटीमीटर, एक्स वन क्या है 4 सेंटीमीटर, लिखिए रियल डेप्थ ऑफ वाटर भी सही है, वाटर लेयर जो भी है, रियल डेप्थ ऑफ वाटर लेयर भी लिख दो, शायद जल्दी से लिखो इसको, रियल डेप्थ ऑफ वाटर लेयर हो जाएगा। एक्स टू क्या है 6 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ ऑफ ग्लास स्लैब जो भी है, ग्लास जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, रियल डेप्थ ऑफ ग्लास। ओके, इंडिविजुअली यूज करते हैं हम। अगर आपकी लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर के अंदर भी, तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ भी, मैं मान लेता हूँ वाई वन क्या है, लिखिए अपेरेंट डेप्थ इन वाटर भी, पूरा लिखो जल्दी से एक बार इसको, वाई वन क्या है अपेरेंट डेप्थ इन वाटर लिख दिया, और वाई टू क्या है अपेरेंट डेप्थ इन ग्लास भी सही है। क्या आप वाई वन वाई टू निकाल सकते हो, फार्मूला क्या होता है भाई, रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू, कहाँ से कहाँ तक, एयर से, देख लो एयर से वाटर में था फार्मूला था, रियल डेप्थ रियल था ना पहले, बाई अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू, लाइट एंटर कर रही थी एयर से वाटर में उस कंडीशन में जो हमने निकाला था इसके इसको, यही था कि नहीं था। तो अगर इसकी बात करते हैं, सिर्फ इस मीडियम की बात करते हैं, ये वाटर है भाई, ये ग्लास है, लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर के अंदर, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, एयर से वाटर में रियल डेप्थ क्या है भाई, क्लास एक्स वन है ना, एक्स वन बाई वाई वन इज इक्वल टू म्यू एयर टू वाटर, दे रखा वैल्यू इट इज 4/3 भी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वन भी 3/4 x1 यही होगा 3। तो y1 की वैल्यू कितनी हुई, x1 कितना भाई 4, तो 3 हो गया अभी 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से निकालो y2, हरब कर दें इसको भी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, यही था ना, एयर से ग्लास के अंदर, तो रियल डेप्थ क्या है ग्लास की भी x2/y2, तो y2 का वैल्यू कितना भाई क्लास x2 इंटू कितना था यहाँ पे 6 एयर टू वाटर कितना था, एयर टू ग्लास में कितना था आंसर 3/2, 2/3 हो गया फिर। एक बार तुम जो फार्मूला बता रहे हो मेरे क्या सही है, मैं फार्मूला यूज करूँ तो तुम बता रहे हो, एक बार चेक कर लीजिएगा उस फार्मूले को, गलत ना करा दे, यही होगा कितना होगा भाई, मैंने ठीक लिखा अभी, ये एक्स टू का वैल्यू कितना है 6, तो वाई टू की वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, यही होगा ना, ठीक है। तो अपर हो गया भाई, तो किस में कितना राइज कर रहा है ग्लास, टोटल अपरेंट डेप्थ कितना है भाई, अब निकाल लें तो टोटल अपरेंट भी, तो 4+3 कितना हो गया 7 भी, यस और नो, टोटल डेप्थ कितना था 10 हो गया दोनों मिला के, यस और नो, कितना राइज किया टोटल मिला के 3 सेंटीमीटर में, यस और नो, टोटल कितना हो गया, क्या करोगे टोटल राइजिंग कितना हुआ 10-7 = 3 सेंटीमीटर, समझ में आया।
इंडिविजुअल निकालो अच्छा रहेगा अभी। अगर अभी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ओके, अगर कोई मीडियम है भाई, कोई मीडियम हो सकता, पता नहीं कौन सा मीडियम है ये, तो लाइट एंटर कर रही है, सो करते हो कंपेयर किसके साथ, एयर के साथ भाई, एयर से मीडियम में जा रही है, कैसे लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन मीडियम भाई, स्पीड निकालनी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको म्यू नहीं दे रखा भाई, म्यू कैसे निकालोगे मीडियम का? साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, अरे होता है कि नहीं होता? तो साइन सी, सी कितना भाई, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, 1/μ, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यस और नो, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो? कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस इसका पता है ना कितना आएगा, स्पीड इन मीडियम भी Vm लेते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, Vm इज इक्वल टू 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर भी सही है। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये तो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में भी, 2 नंबर के अंदर भी हो जाएगा। रब कर दें, लिखो भी क्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, 4/3। फाइंड द एंगल ऑफ द कोन, फाइंड द एंगल ऑफ द कोन विद इन विच एंटायर आउटसाइड व्यू, एंटायर आउटसाइड व्यू विल बी कॉन्फाइंड फॉर द फिश, एंटायर आउटसाइड व्यू विल बी कॉन्फाइंड CONFINED कॉन्फाइंड फॉर फिश अंडर वाटर, फिश अंडर वाटर। क्या समझ में आ रहा है? पानी के अंदर मछली है भाई, उसको पूरा व्यू देखना है बाहर का भाई, कैसे पॉसिबल है? पूरा व्यू समझ में आता है आपको? क्या आपकी आँखें आपको पूरा व्यू देख पाती हैं अभी? हमारे यहाँ की सिर्फ 120 तक जाती हैं सर। यस सर ना, अब इसको पूरा व्यू देखना अभी क्लास। देखिए फिश अभी है, अगर लाइट ऐसे चली गई, बातें नहीं, लाइट ऐसे चली गई बाहर, तो इसको सिर्फ इतना दिखाई देगा अभी। यस सर ना, आपको पूरा देख, देखो लाइट ऐसे चली गई यहाँ से, यहाँ से मानते ऐसे चलेगी लाइट भी, अरे ऐसे चलेगी स्ट्रेट में, या ऐसे तब भी कम दिखाई देगा, पूरा कब दिखेगा? जब लाइट ऐसे जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, म्यू दे रखा भाई, म्यू ऑफ वाटर कितना है? 4/3, ठीक है। ये कंडीशन कब पॉसिबल है अभी क्लास? ये फिश अभी ऑब्जेक्ट, इट इज क्रिटिकल एंगल पे होता है सारा काम, जब आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये सी होना चाहिए फिर तो, ये भी सी होना चाहिए। यस और नो, जब आर कितना हो जाए 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाए, क्या सी निकाल सकते हो? किस एंगल पे देखे ये बात है ना, ये थीटा 1 है, थीटा लेते हैं बराबर होगा सी के, ये भी सी के बराबर होगा, क्या निकालना है? एंगल ही निकालना है, कर लोगे, बड़ा सिंपल टॉपिक है भाई। सी निकाल लो, सी कितना आएगा इसके हिसाब से? साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, 3/4 करें तो कितना? अब ये कौन निकालेगा ना, ये वैल्यू होती है क्लास 48.7 डिग्री भी, 48.7 डिग्री। और पूरा एंगल कितना, टोटल एंगल कितना हुआ भाई? थीटा ये पूरा मान लेते हैं, इसे देख रही है तो कितना आया? इट इज इक्वल टू 2 सी भी,
होगा कि नहीं होगा? यस, ये भी सी है, ये भी सी है। थीटा इक्वल टू कितना? 2c। डबल कितना हुआ? 97.4। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे लेकिन लॉजिकल भी, हर क्वेश्चन में भी कर लोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है भाई, एनी प्रॉब्लम भाई? अब सेम क्वेश्चन IIT में पूछा गया, सेम बिल्कुल 2004 के अंदर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बना के भी उन्होंने एंगल नहीं दे रखा भाई, ना आपको दे रखी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, आपको हाइट दे रखी है और ये दे रखा है। निकाल लो, प्रॉब्लम क्या रहेगी एंगल निकालने पर? यह सर ना वो करवाऊंगा नहीं भाई। लेकिन एक ग्लास डंबल, एक ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ए ग्लास डंबल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज एंड्स ENDS, एंड्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखिए, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द डंबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली। अब ये क्वेश्चन देख के तो घबरा के, तुम लोग शक्ल दिख रही तुम्हारी, है ना भाई? डंबल क्या होता है भाई? क्लास बॉयज भी देखा होगा, डंबल देखा होगा, ऐसा कुछ शेप का होता है भाई। यस सर नो? अब ऐसा नहीं बनाएंगे हम लोग। देखिए अभी ये ऐसा शेप का भी डंका बना दे थोड़ा सा, ओके। और इसकी लेंथ रखिए क्या? लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कोई यूज तो है नहीं लेंथ का, कोई यूज नहीं है अभी। अब देखिए क्लास, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ये ऑब्जेक्ट है भाई, कहाँ से रखा गया है? 12 सेंटीमीटर पर रखा गया अभी। यस और नो? हो गया, यही क्वेश्चन है भाई। इमेज निकालनी, लाइट एंटर कर रियर सिलेंसर में इन कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में प्रॉब्लम क्या रहेगी भाई? डंबल डंबल बना रखे, कुछ भी नहीं कर लोगे। फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला क्या बनता है? म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी, 1/r म्यू टू माइनस म्यू वन। यस सर नो? अब जो भी सब कुछ दे रखा है ना, तो भाई व्हाट इज म्यू वन भाई? क्लास अब दो मीडियम है, इसको मैंने म्यू वन माना था तो आपको, इसको म्यू टू माना था। ये तो एयर है भाई, याद रखिए एयर का म्यू वन कितना होता है? 1 होता है। और म्यू टू कितना है? ग्लास है ना, दे रखी है क्या? 1.5 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? माइनस 12 सेंटीमीटर, इस तरफ अब। यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? तो निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई? कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है? 3। प्लस का कि माइनस का भी? रेडियस इस तरफ होता है। यस सर, एक एंड का निकालना, खुद बोल रहा है एक एंड का कीजिए भी, कर लोगे। बच क्या क्या करने के लिए भी? सोल्व ही तो करना है। यस सर नो? आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस भी, वी इज इक्वल टू, इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पर। सही है, अरे कुछ करना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे भी। अब ये क्वेश्चन डायग्राम, इस क्वेश्चन का डायग्राम मिलता ना आपको, गुम जाते भी, पता नहीं क्या करना है।
शेप क्या है, शेप देखो ना क्या है, और क्या रेयर सी डेंसिटी में जा रही है कि डेंसिटी रेयर में जा रही है, चेक कर लो। फार्मूले तो वही हैं, दो फार्मूले बना के रब कर दें। लिखिए एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क, एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर, एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ म्यू 4/3, प्लेस्ड इन वाटर ऑफ म्यू 4/3। आगे लिखो ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द फ्लास्क, पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द फ्लास्क, वेयर डज इट गेट फोकस भी, वेयर डज इट गेट फोकस, ओके, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क भी, ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क, ओके। क्या क्वेश्चन है अभी क्लास, ये पानी है अभी, ओके बात नहीं, इसके अंदर फ्लास्क रख दिया अभी, फ्लास्क देखा केमिस्ट्री ले बोला सुराई जैसा होता है, ठीक है। अब ये सारा पानी है ना अभी क्लास, बोल रहा है कि पानी में से पैरल बीम आ रही है अभी, ठीक है, और आप कहाँ से देख रहे हो, फ्लास्क में से देख रहे हो, लिख रहा है कवि इन द फ्लास्क, फ्लास्क लाइन यही है, ओके। आपकी आँख कहाँ पे हैं, यहाँ पे, ठीक है, निकाल के देख लो वहाँ पे। अब क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन हो रही है अभी, डेंसर टू रेयर हो रही है, ये एयर है यहाँ पे तो खाली है, बोल रखा है इन्होंने। अरे कौन सा शेप है अभी, कौन के हो, दो ही तो हैं, ये वाला बार वाला तो जाए ना, अरे तुम्हें याद है कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स भी, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो फॉर्मूले तो वही बनते हैं, किसी को मना है ना भी, दो ही फार्मूले हैं, एक रेयर डेंसर में, रेयर डेंसर रेयर में, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बोल दो उन बातों को, हो जाएगा अभी, मैं याद कौन सी की थी ना अभी। अब ये सरफेस कौन कैसे जाएगा बीम बताओ, एंटर नॉर्मल ड्रा करें, सेंटर से पास करेगा, कैसे मुड़ेगा, अवे टुवर्ड्स भी, अवे अवे होगा, अरे सेंट नॉर्मल ड्रा करो, सेंटर से पास करेगा, यस और नो, तो इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स भी, क्योंकि डेंसिटी रेयर में जा रही लाइट्स भी, सेम यहाँ पे होगा ऐसे ही, ओके, ये आके तो मिलने नहीं कहीं पे, तो फोकस कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ म्यू दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, डायमीटर दे रखा है भाई, डायमीटर कितना है 15, प्लस की माइनस भी, प्लस की माइनस, कुछ भी बोलते रहते हैं, रेडियस कितना होगा, ठीक है, उस तरफ वाले सारे पॉजिटिव भाई। क्लास ऑब्जेक्ट फार्मूला क्या बनता है भाई, लाइट जब ट्रेवल करती है डेंसर चेयर में, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू, ऐसा कुछ सभी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, आपको वी निकालना है, वी निकालना है क्या, एफ निकालना है भाई, इसमें एफ है कहीं पे, इसमें एफ हो सकता है, अगर बीम्स कहाँ से आए हो, इन्फिनिटी से आ रही होंगे, और पैरल बीम इन्फिनिटी से ही आते हैं भाई, पैरल बीम कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से ही आती हैं, यस सर नो, तो यू कितना है इसमें एक्चुअल में, माइनस इन्फिनिटी भी, इस तरफ होगा तो वी कितना है, प्लस फोर एफ भी, माइनस एफ,
इस तरफ होने का फोकस। यस आर नो, यस आर नो, सॉल्व कर पाओगे? 1.50 जीरो हो गया अभी। मी वन कितना है? मी वन क्या है? ये मी डी मी वन होता है और ये मी टू होता है। सही है। मी वन कितना अभी क्लास? 4/3। और वी कितना है? माइनस एफ इज इक्वल टू 1/r, 1.75 म्यू वन 4/3 म्यू टू एयर है भाई, वन होता है। सॉल्व कर लो इसका आंसर। भी इसका आंसर आया -72.5 सेंटीमीटर। पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ गया भाई। लिखिए भाई, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज, हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड म्यू इज 1.5। आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक्चुअल में रेडियस निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा भाई? लेंस दे रखा है, दो सरफेस बना रखे हैं, एक प्लेन है एक कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसमें आप लेंस मेकर फॉर्मूला कर लेते हैं, उसमें दोनों सरफेस यूज कर लेते हैं हम लोग। यस आर नो? 1/f निकालना क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ओके। क्या क्या गिवन है भाई बताओ जल्दी से। एफ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना है? 0.3। प्लस के लिए कि माइनस के लिए? देख लो, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है ना, तो प्लस की होगी। यस आर नो? तो प्लस की हो जाएगी भी, तो निकालो, दिक्कत क्या रहेगी? r1 r2 अलग हैं, प्लेनो है भाई, प्लेनो है। एक का r1 इन्फिनिटी होगा, अरे एक का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वैसे निकालना हमको वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस सॉरी इस तरफ वाला, इस तरफ वाला कुछ होगा आर होगा, और इस तरफ वाला इन्फिनिटी होगा। यही बात है ना, कुछ भी मान लो आपके आर वन आर टू की चॉइस है, कौन सा ले लीजिए, ये भी आपकी मर्जी है भाई, कौन सा लोगे आप, प्लस मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने कॉन्वेक्स की पूछे ना, द्वारा रेडियस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए अभी, यही पूछ रखा है ना। अरे सुन लो क्या बोल रहा हूँ, जब कॉन्वेक्स का रेडियस और पूछ रखा है कर्वेचर, तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस का होगा, तो उस हिसाब से लीजिए कि प्लस का आंसर आए मेरा भी। आर टू को क्या लेते हैं? इन्फिनिटी ले लेते हैं, चॉइस आपका भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आर टू को क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। एक तो इन्फिनिटी होगा ना कोई में से, आर वन को निकालना ही है, बस निकाल लो, दिक्कत क्या रहेगी। कितना हो गया? 1.03 मीटर है भाई, ये सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्या? नीचे चल जाएगा इसमें। देखिए म्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/∞। सही है? Yes, तो यहाँ से बुक से आंसर आ रहा है r1 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा बुक वालों का, माइनस में ले रखा है इन्होंने। ओके, ये बुक वाला r2 निकाल रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। बुक वाला r2 निकाल रहा है, दो सरफेस हैं, मर्जी आपके अकॉर्डिंग अभी कि किसको किस तरह रखोगे। यस आर नो? बस हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा 0.15 मीटर, ये सी बी सी बोर्ड का क्वेश्चन है भाई क्लास। एक क्वेश्चन करते हैं विद कॉम्बिनेशन भी, लिखिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। 2014 सी बी सी बोर्ड भी। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर
50 centimeter is placed coaxially in contact with another lens of unknown focal length, if the combination behave like a diverging lens of focal length 50 centimeter, find the power and nature of second lens. दो लेंस हैं इन कॉन्टैक्ट में किए गए हैं, पहला कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस है, यस और नो? तो पहला कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर प्लस के लूँ कि माइनस के लूँ भाई? प्लस की, कितना है? 50 सेंटीमीटर प्लस का भाई, यस और नो? और एक उसके कॉन्टैक्ट में एक और लेंस रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ पता नहीं हमको भी। व्हाट इज द कम्बिनेशन? जो कम्बिनेशन है वो किस तरह बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, यस और नो? कैसे पॉसिबल है भाई? पहला लेंस कौन सा? कन्वर्जिंग है। अगर कंबिनेशन में कन्वर्जिंग ही होता तो क्या आंसर होता? कन्वर्जिंग आंसर आता मेरा अभी, नोट क्या भी। दोनों डाइवर्जिंग होता तो आंसर क्या होता? डाइवर्जिंग ही आता। प्रॉब्लम क्या है? एक कन्वर्जिंग है और आंसर क्या आ रहा है? डाइवर्जिंग का आ रहा है। तो पक्की बात, दूसरा भी क्या होना चाहिए? डाइवर्जिंग होना चाहिए, यस और नो? तो लेंस का नेचर चल रहा है, डाइवर्जिंग लेंस आ रहा है तो कौन केवल लेंस तो बन रहा है अभी, ठीक है? अब कैसे निकालोगे उसकी पावर और क्या है? नेचर। कम्बिनेशन की फोकल लेंथ दे रखी है भाई, क्लास नेट कितनी है? 50। एक किसका है? डाइवर्जिंग का अभी बोल रहा है, कम्बिनेशन में डाइवर्जिंग बन रहा है अभी। प्लस किलो की माइनस किलो? माइनस की, यस सर ना? तो सिंपल है भाई, निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पावर पूछ रखी है ना, तो इसमें निकालो फिर। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/f = 1/f1 - 1/f2। अनलाइक लेंसेज अभी, सही है कि नहीं है? तो F2 निकाल सकते हो क्या? F2 इसमें बुक में और तरीके से किया हुआ है, हमें और तरीके से करना पड़ेगा। ये सो पावर की टर्म डाल, पावर निकालना ना मेरे को, पावर निकालना है, पावर निकालना ना, बस सिंपली कर लेते हैं। P = P1 - P2 भी, इसकी P1 निकाल लो। P1 कितना आएगा? 1/50। सो कर दूँ, पर मीटर में है ना ये, तो पावर तो ऐसा ही में डालनी पड़ेगी ना, मीटर को सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा मेरे को। अरे 10^-2 कर दिया, ऊपर चला गया। ये मैंने बोला वो फार्मूला बना था कि 100 यह मिलेगा गुना में आपको, छोड़ो ठीक है भाई। F1 को मीटर मतलब 50 × 10^-2 मीटर हो गया। पावर क्या होगा? P1 = 1/F1, वही तो आएगा। कितना हुआ? 2 diopter प्लस का, सही है कि नहीं है? सेकंड वाला नेट की फोकल लेंथ कितनी होगी भाई? नेट का पावर कितना होगा? बदलूँ किसको भी ऐसे ही, P = 100/50 कर दूँ, माइनस का, इसका भी कितना आया? -2 diopter, ठीक है? तो सिंपल है भाई, कितना है? -2 = P1, कितना है? 2 - P2 - P2 = -4, सही है। ESB NCERT क्वेश्चन है तो आ सकता है एग्जाम में, लेकिन क्लास NCERT क्वेश्चन भी। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter is placed coaxially with convex mirror of radius of curvature
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, बातें नहीं। द टू आर कैप्ड, 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो एक बार, इस तरह के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अभी ये से एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे तो चांस ज़्यादा हो जाते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन के भी। देखिए अभी क्लास, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी रखी है तो पहले बना ही लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स लेंस ये कॉम्बिनेशन में किसके साथ है, कॉनकेव मिरर के साथ भाई, कैसे होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के साथ। अभी तो मिरर ये है अभी कोएक्सियली, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना है 15 सेंटीमीटर, ओके। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 60 सेंटीमीटर, कहिए ना। और कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, बाद में यूज कर लेंगे इसकी, और प्लेस 60 सेंटीमीटर हो गया भाई, हो गया इतना। तो इसमें क्वेश्चन है कि इमेज कहाँ बननी है, बना सकते हैं इमेज क्लास इसकी, क्या पहले इसकी इमेज बना सकते हो, जरूरत नहीं बनाने की, क्या बना सकते हो, एक बीम जाएगी यहाँ से भी, कौन सा लेंस है कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज तो करेगा, यस सर नो। ये कौन सा मिरर है डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज करेगा, इमेजिन करो अगर मिरर ना होता तो क्या होता, अभी बीम्स ऐसे जाती, यहाँ पे इमेज बनती, इट इज आई डैश, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो है, तो इसका एक्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सॉरी ये भी क्या बनना है, अपीयर टू है, इट इज आई, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यू है और इमेज कौन सी है आई डैश, और आई डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, भी उसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है आई, निकाल लो दिक्कत ही को नहीं, दोनों केस करने लगे, ठीक है। अब जो गिवन है वो लिख लेता हूँ एक बार मैं, गिवन क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितनी है भाई 20, प्लस की माइनस की, प्लस की भी, और ये हो गया 15 सेंटीमीटर अपार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ रखी है मिरर की, मिरर की कितनी है भाई, ये एफ वन ले लेता हूँ, एफ टू 20 दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, तो उसका हाफ होगा तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस की भी, फोकस यहीं पे होगा इसका, प्लस ही होती है, कर लोगे। तो पहली चीज़ तो ये है अभी क्लास, ये निकालो कि इसकी इमेज बनेगी कहाँ पे, आई डैश का वैल्यू कितना होगा, निकाल सकते हो क्या, 1/f इज इक्वल टू, एफ वन इज इक्वल टू 1/v माइनस वी डैश 1/u, माइनस होता ना लेंसेज के अंदर, यस और नो, क्या निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डैश, पता नहीं क्या बोल रही है, एफ वन कितना है भाई 20 1/v - 1/u, u कितना है 60, प्लस की माइनस भी -60 सेंटीमीटर, यस और नो, तो 1/60 हो गया, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, ये करना पड़े मेरे को, तो वी डैश इज इक्वल टू कितना भी 30 सेंटीमीटर, तुम तो सॉल्व करोगे नहीं, हो गया नहीं हुआ, इतना हो गया, इस लेंस का काम खत्म कर दिया हम लोगों ने भी, ठीक है। इस लेंस के हिसाब से इमेज कहाँ बननी है आई डैश,
अब देखो विकास, ये जो 60 आंसर सॉरी 30 जो आंसर आया ना, ये 30 क्या एक्चुअली पता आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अभी कितना है 30 ना, 30 सेंटीमीटर से हो जाएगा, और इनके बीच का कितना है 15 है, यस और नो, तो ये कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक का, 15 ही तो बच गया, तो इसका यू कितना है 15 है, समझ में आई बात है, पता नहीं पर क्या दिक्कत रहेगी, इमेज कहाँ बनेगी, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, यस और नो, F2 ना, ये तुम्हारे होश उड़े हुए हैं भाई, क्लास उड़े हुए हैं है ना, 1/f2, हाँ जी एक मिनट सर, 1/10 = 1/v निकालना है अभी, 1/u 1/15 प्लस का क्यों लिया मैंने, सॉल्व कर लो भाई, बस हो गया, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 30 आंसर रहेगा, चेक करना इसका एक बार, देखिए ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली 50 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके आगे लिखिए, ए इंसिडेंट पैरेलल बीम टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस locate the position of final image formed due to the combinations. क्लास में फिर बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आया हुआ है, कॉम्बिनेशन जब भी करें ना आप लोग, ये याद रखिए, इंडिविजुअल कर लेते हैं हम लोग सारी चीज़ों को, हमको पता है लेंस में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, समझ में आया, बातें नहीं करनी क्लास, अरे सुन लो एक बार, कौन कौन से क्या क्या दे रखा है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव मिरर है, यही है कॉन्वेक्स है, कुछ भी है हो जाएगा, फिर कॉनकेव है, बातें नहीं, कॉन्वेक्स है वो क्वाड्रेगम कॉनकेव बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है क्लास, सही है, एंड कॉनकेव मिरर, अभी कॉनकेव मिरर लिखिए, कॉनकेव है गलत दे रखा है स्टेटमेंट इन्होंने, कॉनकेव है भी, कॉन्वेक्स इमेज बन नहीं सकती इसमें पॉइंट पे आके, तो पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा इट इज, ठीक है, अब देखिए भाई इनके बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर भी, बातें नहीं करनी, और पैरल बीम्स आ रही हैं क्लास, तो इसकी पैरल बीम कहाँ पे फोकस होंगे भी, या कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे, सही है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे इमेज बन रही है भी, इससे रेज जाएंगी मिरर के अंदर भी, और ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो यहाँ पे क्या बनेगी फाइनल इमेज, समझ में आई बात है, yes, इसकी इमेज ये बन रही है इट इज आई डैश, और इसकी कौन सी है आई वी,
सही है कि नहीं है? जब गिवन क्या कह दे रखा है, फोकस लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, लेंस है ना, एफ वन में, एफ वन कितना 20 सेंटीमीटर, प्लस का लूँ कि माइनस का लूँ भी, इसके लिए प्लस का भी, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर भी एफ टू, प्लस का लूँ कि माइनस का लूँ, माइनस 10 सेंटीमीटर भी, इस तरफ है, सही है, बीच में कितना डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन है नहीं कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, पक्का फोकस बनेगा अभी, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, ये 20 है अभी, तो कितना बच गया 30, यहाँ से यहाँ तक का कितना बच गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका तो दिक्कत ही कौन नहीं भाई, तो इसका तो सोलह ही हो लिया आंसर, कितना हुआ 20। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू डैश भी, 30 सेंटीमीटर, यस और नो, व्हाट माइनस का इस तरफ है, व्हाट इज द फोकल लेंथ एफ टू, माइनस 10 सेंटीमीटर, क्या आप वी निकाल सकते हो, ये यू ले लेते हैं, यू डैश क्यों ले, इसको एक यू है मेरा, कर लोगे, बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, ये तो पता नहीं क्या था क्वेश्चन, तो लग रहा था करो, 1/F2 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये गलती होगी तुम लोगों से, प्लस वाली ये तुम्हारे लड़ोगे इसी लेंस को देख के भी नहीं डालोगे, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F2 माइनस 10, सही लिखा है, गलत लिख दिया, कितना आएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/V - 1/U, कितना भाई माइनस 30, निकल पाओगे V का वैल्यू, V इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर आफ्टर सॉल्विंग,